जिस तरीके से विपक्ष के बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से रोका गया उनको पुलिस के जरिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 8 दिन से देश के अंदर जो हालात हैं, जो एक लड़की दलित घर से बिलोंग करती थी, वहाँ पर अतरस में उस वो बच्ची का 4 जनों के जरिए रेप हुआ है। रेप होने के बाद वो लड़की के जब माँ बाप जाकर देखे, सिर्फ रेप नहीं हुआ है, वो लड़की की जबान काटी गई, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जगह जगह स्टैप किया गया। उसके बाद वो घर वाले उसको जाकर उसको देखे तो वो जिंदा थी। जिंदा रहने के बाद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद कोई आया नहीं वहाँ पर, तो ये लोग वो लड़की को लेकर दिल्ली लेकर गए। दिल्ली में जब एम्स में गए तो एम्स में नहीं लिया गया, वहाँ के एक आम अस्पताल में वो लड़की का इलाज हुआ। इलाज होने के बाद वो लड़की थोड़े दिन तक रहने के बाद अनफॉर्चुनेटली उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद इतने से ही ये लोग खामोश नहीं रहे, डेथ होने के बाद वो लड़की के माँ बाप को वो बच्ची की बॉडी देना चाहिए था, ऐसा यूजुअली ऐसे ही होता है। और हिंदू धर्म के हिसाब से सूर्य अस्त होने के बाद बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। मगर रात में 3 बजे ये लोग छुपे रुस्तम की तरह आकर माँ बाप को घर में बंद कर बच्ची को आकर गांव में जलाया गया है, रात में 3 बजे रात में। ये राइट्स माँ बाप को देना चाहिए था उजाले में, और सुबह कर सकते थे ये काम। ये लोग क्या छुपाना चाह रहे थे? तो यही पूछने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वहाँ पर उनके घर को, उनके मॉरल सपोर्ट देने के लिए, उनको पूछने के लिए, उनको सबर रखने के लिए, बोलने के लिए वहाँ पर जाना चाह रहे थे। इनको रोका गया यूपी हाईवे पे, रोक कर उनको हमारे लीडर को रोक कर उनके साथ मैन हैंडल किए गए और उनको ढकला गया, वो गिर गए, गिरकर उनको चोट आई है। और हमारे यूथ कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, उनका सर फट गया, कई लोगों का हाथ टूट गया, कई लोगों को खून आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपोजिशन के हमारे सबसे बड़े नेता का हाल ऐसा कर दिया ये लोग, तो आप देखिए देश में ये लोग कॉमन लोगों के साथ क्या करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये लोग अमीर को अमीर, गरीब को गरीब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। आज गुलबर्गा कांग्रेस DCC की तरफ से जगदेव गुत्तेदार साहब के नेतृत्व में हम तमाम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी के जन्म के मौके पर हम लोग उनके स्टैचू पर जाकर फूल हार कर यहाँ आकर एक प्रतिपठन करे हैं। हमारे राहुल गांधी की तरफ से ऐसा हुआ है, क्यों आज का दिन हम चुने, मतलब जब गांधी जी अंग्रेजों को भगाने के लिए इस देश को आज़ादी दिलाए थे, अंग्रेजों को भगाकर आज फिर एक बार इस देश में आज़ादी फिर एक बार दिलाने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ सत्ता में जो बैठे हैं ये अंग्रेजों के एजेंट बैठे हैं, इनको जब तक यहाँ से इस गद्दियों से हम खाली नहीं करेंगे, ये गली से लेकर दिल्ली तक हम प्रतिपठन करते रहेंगे। ये लोग ED और कई मशीनरों से हम लोगों को डराया जा रहा है, मगर एक ने 10 केस करो हमारे ऊपर, मगर हम खामोश बैठने वाले नहीं है। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा और गांधी जी के मार्ग पे चलते हुए नॉन वायलेंस का डे है आज, नॉन वायलेंस के तरीके से हम स्ट्राइक करते रहेंगे, और जब तक यूपी की सरकार वहाँ से प्राइम मिनिस्टर वापस उनको वहाँ पे डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको जारी रखेंगे। और देख सकते हैं आप, देश में प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डिनेंस लाकर किसानों के खिलाफ बिल ला रहे हैं, और लैंड रिफॉर्म के लिए बिल ला रहे हैं, और लेबर के लिए बिल ला रहे हैं, एक बिल औरतों के लिए, एक बिल वुमेन्स के लिए। वुमेन इक्वलिटी की बात करते हो तुम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, तो तुम एक बिल नहीं ला सकते? 8 दिन के अंदर जो भी रेपिस्ट है मिल गया तो चौराहे पे
खड़ा कर कर उनको फांसी देना या गोली मारने का एक बिल नहीं ला सकते। शर्म करो तुम बीजेपी वाले, शर्म करो। 2012 में जब निर्भया का केस हुआ था उसको है ना सिंगापुर लेकर गया था हमारी सरकार के तरफ से, सिंगापुर ले जाकर वहाँ पर इलाज हुआ था। इलाज होने के बाद जब वो वहाँ पर निर्भया की डेथ होने के बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और हमारी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी दोनों मिलकर एयरपोर्ट जाकर वो बॉडी को रिसीव करने का काम किए थे और उनको घर को उनके घर को उनके बच्चों को है ना आगे ये सुरक्षा देने की और एजुकेशन की जिम्मेदारी ली थी। आज कांग्रेस पार्टी निर्भया के भाई को आज कांग्रेस पार्टी एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी ली है और पढ़ा रही है। उनकी आज माता जिंदा है, आज उनकी माता को आप पूछ सकते हैं। यहाँ यूपी में जो हुआ है आज तक कोई यूपी का चीफ मिनिस्टर गया नहीं, यूपी का मिनिस्टर गया नहीं। मोदी जी सिर्फ एक ट्वीट करते हैं बस, अपने एसी के बड़े मंगले में बैठकर सिर्फ ट्वीट कर कर रहने यूपी के मुख्यमंत्री को कहते हैं। आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं, प्रोटेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी हमको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट कर हमको है नहीं पुलिस ग्राउंड ले जाकर हमारे ऊपर केस कर हमको छोड़ा गया। हमेशा ऐसा अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है मगर हम दबने वाले नहीं। ऐसे हजार केस हमारे ऊपर कीजिए आप, हम ऐसे हजार केसों को डरेंगे नहीं। ऐसा हम नॉन वायलेंस की तरह गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते पे हम प्रतिभटन करते रहेंगे।